नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। एक तरफ जहां दुनिया के कई देश पीने के साफ पानी की कमी से जूझ रहे हैं, तो वहीं भारत में हवा से पीने का पानी बनाने की नई तकनीक ईजाद कर ली गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने ऐसा पदार्थ तैयार किया है जिसकी मदद से नम हवा में से पीने का पानी बनाया जा सकता है। जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी में छपी इस स्टडी के मुताबिक हवा से पानी बनाने के लिए हाइड्रोफोबिसिटी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक में ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी को नहीं सोखते, जैसे कमल के फूल के पत्ते। इन पत्तों पर जब नम हवा पड़ती है तो सतह पर हवा और पानी के बीच एक परत बन जाती है, जिससे पानी आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। आपको याद दिला दें कि कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में विंड टरबाइन की मदद से नमी वाली हवा से पानी अलग करने की बात कही थी, जिस पर राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने उनका मजाक बनाया था। अब IIT की टीम ने प्रधानमंत्री की उस बात को सच कर दिखाया और जल वाष्प से बगैर किसी कूलेंट का इस्तेमाल किए पानी इकट्ठा करने की तकनीक विकसित कर ली। दुनिया भर में पानी की कमी बढ़ने के साथ गैर पारंपरिक साधनों के माध्यम से पानी को इकट्ठा करने और संरक्षित करने की कोशिश की गई है, और IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्राकृतिक तरीकों पर गौर करना शुरू किया है। केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर उत्तम मन्ना का कहना है कि हमने एक अत्यधिक एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग इंटरफेस का निर्माण किया है। वैज्ञानिकों ने अपने पिचर प्लांट से प्रेरित स्लिप्स मटेरियल की तुलना अन्य जैविक तरीकों से की है और उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इसी तकनीक को सबसे बेहतर पाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।